पॉइंट नंबर वन, हार्ड प्रूनिंग में हम प्लांट के मैक्सिमम पार्ट को कट कर देते हैं, उसकी स्टेम, उसकी ब्रांचेस मैक्सिमम काट दी जाती हैं, जबकि नॉर्मल प्रूनिंग में, जिसको लाइट प्रूनिंग कहते हैं, उसमें प्लांट के थोड़े थोड़े पार्ट की कटिंग होती है। इससे पहले भी मैंने प्रूनिंग पे एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने सारी बेसिक्स कवर की है कि प्रूनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और उसको करने से प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ता है। लेकिन उस वीडियो में मैंने हार्ड प्रूनिंग को कवर नहीं किया था। इस वीडियो में मैं हार्ड प्रूनिंग के सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी, इन डेप्थ कवर करूंगी कि हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, कौन से प्लांट्स पे करनी चाहिए और उसको करने से प्लांट के ऊपर क्या असर पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर टू, जो नॉर्मल प्रूनिंग होती है वो हम कभी भी कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग साल में एक बार करनी चाहिए, एनुअली, इसे बार बार नहीं करते। पॉइंट नंबर थ्री, हार्ड प्रूनिंग तभी करनी चाहिए जब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला हो, शुरू होने वाला हो। जैसे गर्मी के जितने भी पौधे हैं, करी पत्ता, तुलसी, अपराजिता, पारिजात, इनकी प्रूनिंग हमें गर्मी के जस्ट पहले, दैट इज बसंत ऋतु में कर देनी चाहिए। और सर्दी के जितने भी पौधे हैं, जैसे गुलाब है, कॉक्सकॉम्ब है, इनकी प्रूनिंग सर्दी के जस्ट पहले, दैट इज पतझड़ में कर देनी चाहिए। नो, पॉइंट नंबर फोर, प्रूनिंग हम ग्रोइंग सीजन में क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत छोटा सा लॉजिक है। एक्चुअली हम प्रूनिंग क्यों करते हैं? हम प्रूनिंग इसलिए करते हैं कि हम एक तरफ से टिप काटेंगे और दो या तीन जगह से और शूट निकलेंगे, राइट? मतलब हम प्लांट को इनकरेज कर रहे हैं, प्लांट को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो और बढ़े, ठीक है? तो गर्मी का पौधा है, सपोज करी पत्ता है। अब करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग अगर मैंने विंटर्स में की तो कोई सेंस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विंटर्स में, दैट इज सर्दियों में, उसको हम कितनी भी खाद दें, कितना भी पानी दें, कितनी भी प्रूनिंग करें, वो नहीं बढ़ेगा। पौधा तभी बढ़ेगा जब उसका टाइम आएगा, जब उसका मौसम आएगा। तो गर्मी वाले पौधों की आप प्रूनिंग गर्मी में करेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, लेकिन गर्मी वाले पौधों की सर्दी में करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर फाइव, हार्ड प्रूनिंग किन पौधों की करनी चाहिए? हार्ड प्रूनिंग सारे पौधों की नहीं करते हैं, हार्ड प्रूनिंग उन पौधों की करते हैं जिनकी एक टिपिकल तना होता है और बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं उस तने से, मतलब एक स्टेम होती है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे ये मेरे पीछे अरेका पाम रखा है, मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। जीजी प्लांट रखा है, नहीं करूँगी। स्नेक प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी और ये डमकेन, इसकी भी नहीं करूँगी। मैं किसकी करूँगी? तुलसी की करूँगी, गुड़हल की करूँगी, अपराजिता, पारिजात, आप नींबू के पौधे की भी कर सकते हैं, मिर्ची की कर सकते हैं। नो, पॉइंट नंबर सिक्स, अगर आप हार्ड प्रूनिंग करने जा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट पूरी तरीके से बाउंस बैक होने में और पूरी तरीके से हरा भरा होने में 1.5 से 2 महीने ले लेता है। अगर आप फरवरी में प्रूनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है अप्रैल में तक वो बढ़िया, बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाए, लेकिन अगर आप मार्च या अप्रैल में प्रूनिंग करेंगे तो मई या जून तक वो हरा भरा होगा, लेकिन उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस टाइम भी प्लांट स्ट्रेस में जाते हैं। तो आप जितनी जल्दी प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे उतना अच्छा है। पॉइंट नंबर सेवन, हम प्लांट की हार्ड प्रूनिंग क्यों कर रहे हैं? हम लाइट प्रूनिंग, नॉर्मल प्रूनिंग भी कर सकते हैं, राइट? मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे इस पौधे को देखें, ये पिंक हिबिस्कस है, इसने सर्दियों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है, बहुत सुंदर सुंदर फूल निकाले, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी तो इसकी कंडीशन ख़राब हो गई, इसकी पत्तियाँ गिरने लग गई। अभी इसकी कंडीशन ये हो गई है कि इसमें खूब सारी लंबी लंबी ब्रांचेज हैं। अगर मैं अभी इसमें कोई भी कैंची ना चलाऊँ, कुछ बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करूँ, तब भी इसमें पत्तियाँ भी आएंगी, कलियाँ भी आएंगी, फूल भी आएंगे, लेकिन पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा होगा और फूल भी बहुत छोटे होंगे, क्योंकि आप शाखा की कंडीशन देखिए, ब्रांचेस की कंडीशन, ये बहुत ही वीक है, तो पतली पतली ब्रांचेस में छोटे छोटे फूल आएंगे। अगर मैं इनकी टिप पे कटिंग करती हूँ, हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ, नॉर्मल प्रूनिंग करती हूँ, ऊपर ऊपर टिप पे मैंने काट दिया, तो क्या होगा? प्लांट की जो नीचे से शाखाएँ हैं वो तो पतली हैं, ऊपर जाके और दो दो निकल आएंगी, उनमें भी छोटे छोटे फूल निकलेंगे, तो अल्टीमेटली प्लांट कैसा दिखेगा? वो लंबा दिखेगा लेकिन घना नहीं दिखेगा, तो ओवरऑल ये हेल्दी प्लांट नहीं दिखेगा।
मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। हार्ड प्रूनिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मेन तना होता है ना पौधे का, जो मेन स्टेम होती है, वो मोटी होती जाती है और उसके आसपास की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो भी हेल्दी और मोटी होती जाती है, उनमें स्ट्रेंथ आती है। तो जो अब ब्रांचेस निकलेंगी वो हेल्दी निकलेंगी और उनमें बड़े बड़े फ्लावर्स निकलेंगे। तो ये प्लांट लंबाई में ना बढ़ के घना बनेगा। पॉइंट नंबर 8, आप कभी भी किसी भी डाल को अपने हाथ से मत तोड़िएगा, हमेशा एक धार वाला शार्प टूल लीजिएगा और उसको अच्छे से साफ करिएगा, सैनिटाइज करिएगा। जैसे मैंने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की है, वैसे ही मैंने बाकी सारे पौधों की, तुलसी की भी हार्ड प्रूनिंग की। तुलसी की हार्ड प्रूनिंग करने में थोड़ा सा मुझे लालच आ रहा था क्योंकि प्लांट ठीक ठीक कंडीशन में था, लेकिन उसकी पत्तियां छोटी थी और ब्रांचेस मुझे लगा कि काफ़ी पतली हैं। अभी अगर हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो अच्छा है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हार्ड प्रूनिंग करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम हो गया तो उसमें पत्तियां भी आ जाएंगी, कलियां भी आ जाएंगी, तब उनकी प्रूनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे गुड़हल में कलियां आ गई तो मुझे अब उनको काटने में बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि कलियों के बाद फूल आने ही वाले हैं और मैं कैसे काट दूँ। और दूसरी चीज़ है कि प्लांट्स के लिए भी अच्छा है अगर आप उनकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, सही टाइम पर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 9, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपको अपने पौधों को एक अच्छी सी खाद देनी है, बिल्कुल लाइट सी गुड़ाई करिए। थोड़ा सा खाद दे दीजिए, सरसों की खली स्ट्रांग होती है, नीम की खली स्ट्रांग होती है, मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है थोड़ा सा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हार्ड प्रूनिंग। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हार्ड प्रूनिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसको करने से क्या होता है और कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप बाहर से नर्सरी से नए प्लांट्स लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको ना तो एसी के सामने रखिए और ना ही उनको बहुत तेज़ धूप में रखिए। जब आप उनको बाहर से लाते हो उनको पानी दीजिए और किसी शेडेड एरिया में रखिए, और हो सके तो उसको नए पॉट में 2-3 दिन 4 दिन रिपॉट मत करिए। ये प्लांट को थोड़ा एडजस्ट हो जाने दीजिए माहौल पे, उसके बाद शिफ्टिंग करिएगा। रिपॉटिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इस वीडियो में बताई है, आप ज़रूर देखिएगा। सो मीनवाइल मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।